प्लीज मे आई कम इन सर? वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम। हैव योर सीट वंदना। थैंक यू सर। यस सर। व्हाट डज वंदना मींस? सर माय नेम मींस वर्शिप एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम एज आई एम होली एंड काइंड हार्टेड गर्ल। ओके, ये बताइए, मान लीजिए कल आपकी मैरिज हो जाती है, आपके इन-लॉज अलाउ नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? जॉब छोड़ देंगे? नो सर, सबसे पहले बार बताना चाहूँगी कि मैं मेरे पेरेंट्स बहुत मेहनत करके मुझे यहाँ तक पढ़ा के यहाँ तक लाए, इस लेवल तक पहुँचाए। सर जब मेरी शादी होगी, अगर मेरे इन-लॉज इस चीज़ के खिलाफ जाएंगे तो मैं सबसे पहले सारी बातें क्लियर कर लूँगी, उसके बाद ही शादी का डिसीजन लूँगी, क्योंकि पहले मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जॉब है। ओके, अच्छा मान लीजिए आपके कलीग्स जो है वो आपके जो सीनियर्स को आपके बारे में बोलते हैं कि भाई ये काम अच्छा करते हैं, और आपको आपके सीनियर्स बहुत ज़्यादा वर्क दे देते हैं कि आप अच्छा वर्कर है, तो आपको ज़्यादा काम मिल गया और आपको बहुत प्रेशर आ रहा है वर्क में, तो आप क्या करेंगे? यस सर, अब ये मेरी अभी लर्निंग स्टेज है, अगर सीनियर लोग मुझे ज़्यादा वर्क देते हैं तो सर ये इससे मेरा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी मेरा लर्निंग स्टेज चल रहा है तो सर मुझे ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो इससे कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जॉब करने में? नो सर। और प्रेशर भी आप हैंडल कर लेंगे? यस सर। वेरी गुड। आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या कहते हैं? सर मेरे फ्रेंड मुझे वर्सेटाइल बोलते हैं, क्योंकि मैं हर नेचर में अपने आप को ढाल एडजस्ट कर लेती हूँ, और नए नए लोगों से मिलना भी मुझे बहुत पसंद है। वेरी गुड। ओके, अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए इस जॉब में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, असल अगर नहीं सिलेक्शन होता है तो सर मेरी जो कमियाँ रहेगी मुझे जानने को मौका मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम मैं तैयारी करके फिर इंटरव्यू देकर मैं अपनी इस कसौटी पर खरी उतरूंगी। वेरी गुड, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप। यस सर। चलिए यू कैन गो नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।